फांसी दो, फांसी दो, कसूरवार को सजा दो, सजा दो। आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में बीजेपी लीडर्स की तरफ से वसीम रिजवी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पेश है ग्रोइंग कश्मीर की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट ने एक प्रोटेस्ट किया यहाँ प्रेस कॉलोनी में आकर, जो कल वैश्या बयान वसीम रिजवी साहब ने दे दिया। वसीम रिजवी ने, उस आदमी ने देश के नहीं पूरे दुनिया के मुसलमानों को ठेस पहुंचाया है। और हमने कल भी एक अपील की थी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से। मैं गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने विद इन नो टाइम एक्शन लिया, पूरे देश के और पूरे दुनिया के मुसलमानों के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखा। वसीम रिजवी को अरेस्ट किया गया। हमारी एक ही मांग है, उसने आज तक बहुत गलतियां की है, उस आदमी को सजाई मौत देना चाहिए। हम पूरे देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से अपील करना चाहते हैं कश्मीर भारतीय जनता पार्टी यूनिट की तरफ से, कि इस आदमी को जिसने मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाया, उसको जल्द से जल्द फांसी दी जाए। मोदी जी का एक नारा, आपका एक नारा है मोदी है तो मुमकिन है, और यहाँ से आपकी मांग है कि उसको सजाए मौत देनी चाहिए, क्या कुछ लगता है आपको कि आपकी पार्टी ऐसी करेगी? हमारी पार्टी ने कल, आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी आदमी ने किसी भी मजहब पर कोई भी टिप्पणी की और उसको इमीडिएट अरेस्ट किया हो। ये पहला प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री है जिन्होंने ये फैसला लिया कि उसको 24 घंटे के अंदर नहीं, खाली 8-9 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट किया गया। इसी को कहते हैं मोदी है, मुमकिन है। रिजवी के खिलाफ, वसीम रिजवी जैसे शैतान सिफत इंसान जिसने कल कुरान शरीफ के खिलाफ गलत कमेंट्स किए हैं। हम वैसे तो मुसलमान, कुरान हमारा ईमान है और भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म पे यकीन रखने वाली पार्टी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या जो भी लीडर है, वो ये कमेंट्स बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और साथ ही हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आदरणीय प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने टाइम ज़ाया किए बगैर उस इंसान को गिरफ्तार किया जो अमन के लिए, देश की अमन के लिए थ्रेट था। और साथ ही अगर कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन देश के कोनों में होती है या कहीं किसी कम्युनिटी में होती है, उसके जिम्मेदार ऐसे लोग हैं जो दूसरे मजाहिब के लोगों के सेंटिमेंट्स को हट करती है, और यही कल रेडिकलाइजेशन का बहुत बड़ा मसला बनता है। और ऐसे इंसान को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसी कोई हरकत न करे। उन्होंने जो वसीम रिजवी ने जो हरकत की, ये ऊपर तो सामने इसीलिए कि हमारे पीएम साहब ने उसको कल ही गिरफ्तार किया, और हम उसका शुक्रिया अदा करें। जो भी कुरान के हवाले जो भी कर उसको उसका उसकी हालत यही कर देंगे।